बार कि आपकी जो भी होली है, जो भी लोकल लेवल पे आप छोटी बड़ी जो भी होली आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप टायर, ट्यूब, प्लास्टिक, लकड़ी, इसको इस्तेमाल ना करते हुए आप गौ मई का यूज़ करें, काउडंग केक्स का यूज़ करें। और यहाँ पे इतनी सारी गौशालाएं हैं कि अगर आप लोग एडवांस में प्लानिंग करेंगे तो आप सब लोगों को जितनी भी चाहिए उतने गौ मई आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नेचुरल प्रकृति सिद्धपड़ेटువంటి రంగుల్ని మాత్రమే వాడాలి మరి వేరే వాడినట్లయితే మరి వాటి ద్వారా మరి ఎన్నో రకాల చర్మవ్యాధులు వస్తాయి అదే విధంగా పొల్యూషన్ వాటర్ కూడా కలుషితం అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి రంగుల్ని మాత్రమే వాడాలి హం జిస్ తరీకే సే హోలీ మనాతే హై వో ఎన్వైరన్మెంట్ కో నేచర్ కో సభీ చీజ్ కో పొల్యూట్ కర్తా హై చాహే వో ఫిర్ टायर जलाना हो, चाहे लकड़ी जलाना हो, यहाँ तक कि कलर्स जो आते हैं वो भी केमिकल बेस्ड कलर्स आते हैं। सनातन धर्म इसके बारे में नहीं है। सनातन धर्म जो है वो हमें यह सिखाता है कि हमें सर्व धर्म सर्व संगात रहना है, सभी लोगों को मिलजुल के। लोग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य की बात है, जंतु जीव जंतु प्राणी वृक्ष सभी लोगों को साथ में मिल के रहना है। और इतनी सारी लकड़ियों का जलाना पूरे देश भर में, उसकी जगह पे अगर हम काउडंग को यूज़ करते हैं तो हमें दो फायदे हैं। एक तो हमारे पेड़ पौधे बच जाएंगे, हम बहुत सारी लकड़ियों को कंजर्व कर पाएंगे, और दूसरी तरफ जो काउडंग है, जो गौमई हम जिसको बोलते हैं संस्कृत के अंदर गौमई बोला जाता है, तो गौमई से जो वाइब्रेशंस जो धुआं पैदा होता है उसकी वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे वातावरण में आएगी। आज हम सब लोगों को पता है कि कोरोना का एक वेव हम लोग 2020 से अब तक में सहन कर चुके हैं, तो उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए गौमई या काउडंग हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का शील्ड के हिसाब से काम कर सकता है। जैसा हमें पता है कि 20 साल पहले रशिया ने एक रिसर्च किया था जहां पर उन्होंने देखा था कि जहां पर भी काउडंग लगाया जाता है वहां पर रेडिएशंस और वायरसेस बैक्टीरियाज नहीं आ पाते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे गाँवों के अंदर पुराने ज़माने में सभी घरों को काउडंग से ही लीपा जाता था, उसकी भी वजह यही थी कि उससे स्वच्छता और इंसेक्ट जैसे बैक्टीरियाज हैं, इंसेक्ट है, ये सब उससे दूर रहे। कामदहन की टायर ट्यूब वाड़ी एन कभी कैंसर कारकम अभी सांप्रदाय पद्धति रूम कटपूल तो विज्ञप्ति सनातन सांप्रदाय मन के चपबड़ी अन गोगीपूल तो वच्ची वाट मरी वाट द्वारा वच्ची रसम द्वारा होली उत्सवा चुस्काली లేదంటే ఆవు పిడక ద్వారా వచ్చినటువంటి భస్మం ద్వారా ఈ హోళీ ఉత్సవము గోమూత్రం ద్వారా ఈ ఉత్సవం జరుపుకుంటే మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళమే। क्या हमारी पढ़ाई हमें शिक्षित या हमारा जो शिक्षण है ये इसीलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दें खुद को भी आने वाली जनरेशन को भी और चाहे पर्यावरण हो चाहे पेड़ पौधे हों सबको नुकसान करे कि हम कैसे जी सकते हैं। हमारी जीने की स्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए इसलिए हम सारी चीज़ें करते हैं। मित्रों ये बात नहीं है, ये गलत है। एजीवीटी हमें फिर से एक नया रास्ता दिखा रही है, जो पथ दिखा रही है वो हमें वापस हमको अपनी जड़ों की तरफ लेके जाएगा। అత్యంత పవిత్రంగా దీన్ని ఆవు పిడకలు నెయ్యి వీటిని వేసి ఆచరించవలసిందిగా దీన్ని మంచి గౌరవప్రదంగా జరుపుకోవలసిందిగా। हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था बनाई कि हम होली के दिन क्या अर्पण करते हैं। हम चना देते हैं, हम धानी देते हैं, हम खजूर देते हैं, हम पताशे देते हैं। इन सबका एक ही मतलब है कि अब जो परिवर्तन होने वाला है आपके शरीर में से ठंडक बाहर जाती जाएगी और गर्माहट अंदर आएगी। इस दौरान आपका बहुत सारा लंग्स के अंदर से फ्लेम या कफ बाहर निकल सकता है, तो इसे मारने का सबसे अच्छा तरीका है या तो आप चने खाइए या तो आप पॉपकॉर्न या धानी खाइए या आप खजूर खाइए। ये तीनों ही आयुर्वेद के हिसाब से कफ को मारने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय माने गए हैं और बरसों से इसका हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब गौमई के अंदर लक्ष्मी है ये हमें शास्त्रों ने बताया था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे उनके पास कितना ज्ञान था। हालांकि उनके पास कोई साइंटिफिक मॉडर्न एमिनिटीज़ नहीं थे,
लेकिन फिर भी अध्यात्म से उन्होंने ये सारे शोध किए थे और ये सब लिखा है शास्त्रों में। आइए हम AGVT का साथ दें और इस होली को हम गौमय होली बनाएं। गौमय होली के लिए हम गोबर के कंडों से होली बनाएं। कलर जो है वो भी गौमय से बनने लगे हैं, हम कलर भी उसी का इस्तेमाल करें। ये तो आज का साइंस भी बोलता है कि गोबर से अगर स्किन पे अगर लगाया जाता है तो आपका स्किन शाइनिंग करता है। होली पंडग అంటే ఆనందంగా జరుపుకోవాలి, ప్రకృతి తో సంబంధం ఉండాలి, గులాలు తర్వాత మోగత మోదిగత మోదిగర ఆకు వాడడం చేసుకోవాలి, మంచిగా ప్రకృతిపరమైనటువంటి కలర్లతో వాడుకోవాలి అంతవరకు కానీ ఈ దుష్ప్రభావమైనటువంటి కలర్లు ఈ డాంబరు తర్వాత కోడిగుడ్లు వీటిని నిషేధించండి, వాడకండి।